माय चैनल, मेरा नाम श्वेता है और ये है जय। तो अभी शाम का टाइम बज रहा है 7:15। तो अभी हम निकले हैं इन दोनों के लिए एक सामान खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए निकले हैं अभी? सोच रहे थे साइकिल खरीदने को इन लोग का। कौन सा वाला साइकिल? ट्राई साइकिल खरीदने के लिए सोचे है। अभी तो बाईसाइकिल फिर वो लोग के लिए बड़ा यंग हो जाएगा। अभी तो ट्राई साइकिल ही यूज करेंगे। ट्राई साइकिल पहले सीख ले, उसके बाद बाईसाइकिल पे आते हैं। तुम मतलब आगे कहीं सोचना शुरू कर देते हो। बिल्कुल। तो बस अभी जा रहे हैं इनके लिए ट्राई साइकिल खरीदने के लिए। थोड़ा घर में भी अगर चलाएंगे तो सही रहेगा, नहीं तो घर में दिमाग इनका सिर्फ खुराफात में ही लगा रहता है। तो सोचे कि थोड़ा सा माइंड इनका डाइवर्ट हो जाएगा थोड़ा इधर उधर में, तो इसलिए जा रहे अभी साइकिल खरीदने के लिए। थोड़ा एक्टिविटी भी सही रहता है बच्चों के लिए फिर। तो बस अभी निकले हैं और चलते हैं, साथ में चलिए आप भी हमारे साथ। तो बस अभी हम जा रहे हैं ट्राई साइकिल खरीदने के लिए। बहुत दिनों से एक्चुअली हम लोगों ने सोच करके रखा हुआ था कि इनके लिए साइकिल खरीदना है, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। ऊपर से कोरोना का लॉकडाउन वगैरह इतना कुछ हो गया था कि इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी ना तो हमें टाइम मिल रहा था और कहीं बाहर जाना नहीं था, तो फिर मन भी नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। बट अभी थोड़ा बहुत केसेस कम हुए हैं तो फिर हमने सोचा कि इनका जो ट्राई साइकिल है वो खरीद देते हैं, तो इनको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ भी नहीं हो पा रहा है इनका घर पे, तो बस थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ों से इनका मन भी लगा हुआ रह जाएगा। नहीं तो दिन भर बस वही बर्तन पटकना, तोड़ फोड़ करना, बदमाशी करना, यही सारी चीज़ों में इनका दिमाग लगा रहता है। और बस पढ़ाई लिखाई तो बस क्या बताऊँ मैं, बस थोड़ा बहुत खेल कूद में जो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं कह लेते हैं बस वही होता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा बहुत तो अब इनके तरफ ज़्यादा करके अब ध्यान देना पड़ेगा, इनके एक्टिविटीज़ को देखना पड़ेगा, इनका पढ़ाई लिखाई सारा कुछ हमें अब देखना स्टार्ट कर देना होगा। तो बस अभी हम लोग साइकिल की दुकान पे पहुंच गए हैं। मैं गाड़ी में ही बैठी हुई थी बच्चों को लेकर के और जैन थी अंदर दुकान के अंदर में गए थे और इतनी सारी अच्छी अच्छी साइकिल्स थे वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। मेन रोड पे ही दुकान था तो मैं भी बाहर से गाड़ी से ही बैठे बैठे देख रही थी और बहुत सारी साइकिल्स थे वहाँ पर, अच्छे अच्छे बहुत सारे कलर्स के थे, बहुत प्यारे प्यारे भी लग रहे थे। बट हमें बजट भी देखना था और दूसरी बात ये है कि इनके लिए जो कंफर्टेबल होगा वो वाली साइकिल हमें देखना था। तो ये दोनों साइकिल हमारे सामने में थी तो हमें इसे कंपेयर करना था। तो कंफर्ट के हिसाब से हमने ये ऑरेंज वाली जो साइकिल है वो वाली ली, क्योंकि थोड़ा सा वो स्पेशियस भी था, अच्छा भी लग रहा था। और बस हमने दो साइकिल्स खरीदी है, एक रुद्रांश के लिए और एक यशिका के लिए। गया अभी वेदर एकदम से चेंज हो गया ना पता नहीं, हाँ ड्रास्टिकली चेंज होता है, इस तरह से कैसे हो जाता है अचानक से पूरा चेंज हो गया, पर बारिश वाला मौसम हो गया। थोड़ी देर पहले फिर हवाएं भी चल रही थी ना, वो तूफान वाला। हाँ अभी तो आंधी तूफान आ गया, फिर उसके बाद अभी ऐसा चेंज हो गया जैसे अभी बारिश आने वाला है, इस तरीके का हो गया। और इसके पहले तो इतना गर्मी था दोपहर के टाइम पे, इतना गर्मी लग रहा था, पसीने पसीने निकले जा रहे थे। और अभी इतना बहुत मस्त लग रहा है। अभी ट्रैफिक जैम इतना ज्यादा लग गया है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो करके रखा है। कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना। कहाँ ले जा रहा था इधर? अभी देखिए अभी कितना टाइम लगेगा यहाँ से घर पहुँचने में हमें। क्या कर दिया देखो, क्या किया है? ओहो ट्रैफिक इतना ज्यादा रहता है तो चलाने में कैसा लगता है। बस लौटते हुए मैंने जैन से कहा कि सब्जियां भी थोड़ी खरीद लेते, क्योंकि कल जब हम निकले थे तो बस एक दो सब्जी खरीद करके फिर वापस आ गए थे।
तो मैंने कहा कि बाकी की भी जो हफ्ते भर की जो सब्ज़ी है वो एक ही बार में ख़रीद लो तो फिर ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो फिर एक दो सब्ज़ी में फिर समझ में नहीं आता है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, वही चीज़ हो जाता है। तो बस ये जयंत गए थे, सब्ज़ी वगैरह सारा कुछ एक ही बार में इकट्ठा ख़रीद लिया उन्होंने, आलू वगैरह भी एक ही बार में 5 किलो ख़रीद लिया था उन्होंने। फाइनली घर आ चुके हैं ये दोनों ना, अभी एक साइकिल उसको असेंबली करना बाकी है तो ये एक साइकिल ही अभी रखा, तो ये दोनों अभी इस साइकिल को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। ये देखो दोनों अभी इस साइकिल को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने जयंत को बोला था कि नहीं दोनों के लिए दो साइकिल लेना, क्योंकि साइकिल ऐसी चीज़ है ना जिसको लेकर के ये दोनों झगड़ा करेंगे ही करेंगे। ये देखो चिल्ला चिल्ली की आवाज़ आ रही है, तो बस इसीलिए मैंने दो साइकिल ली है। अभी जयंत आते हैं फटाफट से उसको असेंबली कर देंगे तो उसके बाद दोनों का झगड़ा ख़त्म होगा। और बस अभी जा रही हूँ खाना वाना बनाने के लिए, और तो देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ। बस अभी मैं आई हूँ खाना बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि एक मसाला पराठा टाइप्स बना दे रही हूँ, तो उसके लिए मैंने गाजर को घिस लिया है, कद्दूकस कर लिया है, फिर उसमें मैंने आटा डाल दिया है और मक्के का आटा भी उसमें मैंने ऐड कर दिया है, फिर उसके बाद थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल दिया है और जो कलौंजी होती है वो डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जीरा का पाउडर और नमक डाल करके इसको अच्छे तरीके से मैंने गूंथ करके साइड में रख दिया था। यहाँ पे मैं दही वाले आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो बहुत ही फटाफट से ये सब्ज़ी बन जाती है। तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है और हरी मिर्च डाल दिए है और हींग डाल दिया है और कसूरी मेथी डाला है। कसूरी मेथी बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए भी, तो इसीलिए मैं ज़्यादा देखोगे आपकी मेरे डिशेज़ में मैं यूज़ करती हूँ कसूरी मेथी। तो उसके बाद में मैंने दही को हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हाँ थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च के साथ में फेंट करके उसमें डाल दिया था, थोड़ा सा मिक्स करके पानी डाल दिया था और थोड़ा उबाल आने के बाद में मैंने आलू उबाल करके रखे थे तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। फिर उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक डाल करके मैंने उसको साइड में कर दिया है कि एक तरफ वो पकते रहेगा और एक तरफ तवे पे मैं यहाँ पे पराठा सेक ले रही हूँ फटाफट से, तो बस साइड बाई साइड दोनों काम एक साथ इकट्ठे हो जाएगा, खाना भी फटाफट से बन जाएगा। तो ये पराठा मेरा एक मैंने सेक लिया है, तो सबसे पहला वाला पराठा मैं निकाल दे रही हूँ, बच्चों को फटाफट से सबसे पहले खिला देती हूँ, तो उनको तो मैं सब्ज़ी के साथ अभी नहीं खिला रही हूँ, तो उनको जो पराठा है पराठे के ऊपर में मैं थोड़ा सा गुड़ डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा घी डाल दे रही हूँ, तो इसके साथ में ही उनको पराठा खिला दूँगी तो उनका यही डिनर हो जाएगा। तो बस यही हमारा डिनर है, पराठा है, ये तो बच्चों का डिनर है, तो बच्चे ये अपना एंजॉय करेंगे। गुड़ और घी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी ऑप्शन भी होता है, गुड़ से डाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है, घी तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्किन के अच्छे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और बच्चों के लिए घी बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होता है। तो बस ये हमारा डिनर है, दही वाले आलू की सब्ज़ी है और मसाला पराठा है, तो ये मैंने बना लिया है और अब हम जा रहे हैं खाना एंजॉय करने के लिए। हमने खाना खा लिया है और यहाँ पे जयंत अभी दूसरी वाली जो साइकिल है उसको असेंबल कर रहे हैं। एक साइकिल तो ऑलरेडी असेंबल किया हुआ था बट दूसरी वाली साइकिल हमने बॉक्स में ही ऐसे ही पैक करवा लिया था कि घर में जाके असेंबल कर लेंगे, तो जयंत अभी इसमें लगे हुए हैं। अभी कल दिखाऊंगी कि कैसे असेंबल हुआ है। ये वाला ब्लॉग अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे, आपका कमेंट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा जो भी आपके मन में हो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और जो बेल बटन है उसको हिट करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो मेरे हर एक नए वीडियो का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड थिंक पॉजिटिव।